हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रीजनिंग में सीरीज, तो आज फिर चलते हैं उसी में आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। पांच क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों को बोर्ड पे, इनको सॉल्व करना है। इससे पहले जो आप लोग पढ़े थे उससे कुछ अलग टाइप से ही है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ बी सी डी, उनके बाद ब्लैंक छोड़ा हुआ है, फिर एफ है, फिर ब्लैंक है, फिर एच ब्लैंक। इनको बनाने से पहले एक बार जो आप लोग जो है इन अल्फाबेट का जो है न्यूमेरिकल में जो है चेंज कर लेना है, ठीक ना। अल्फाबेट का न्यूमेरिकल लिख लेना, तो बी है तो बी का आपको है 2, सी 3, डी 4, जी 6, एच 8। तो अब इसमें स्पष्ट दिख रहा होगा क्या हुआ है, 2-3 एक सीरियल क्रम चल रहा है। देखिए 2-3-4, बीच में 5 आपको छुटा हुआ है, ठीक। 5 उनके बाद 6 आया है, फिर देखिए यहाँ 7 छुटा हुआ है, और यहाँ पे आपको 8 है, ठीक है। तो 5 का क्या होता है आपको ई, 7 का जी, फिर 8 के बाद आपको हो जाएगा यहाँ पे 9, 9 का आई, इनका आपको हो जाएगा ई जी आई। आशा करते हैं हम लोग समझे होंगे इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसमें है ए सी, फिर ब्लैंक है, जी ब्लैंक के, इनका भी न्यूमेरिकल पहले लिख लेंगे। जी 7, के 11, ठीक है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, ये एक आपको 3 कैसे बन गया, इसमें एक में 2 को जोड़ा गया है, ठीक है। अब इसमें 2 जोड़ा गया तो आगे भी हम एक बार 2 जोड़ के देखते हैं क्या होता है। 2 को प्लस कर दिए इधर भी, 3-2-5, और 5 होता है मेरा ई का, ठीक है। आगे अब उसी क्रम में रहना चाहिए, देखिए 5-2-7 वाह बिल्कुल हुआ है, फिर इसमें प्लस 2 करते हैं, यहाँ 9 होना चाहिए, और 9 होता है मेरा आई का, फिर यहाँ देखिए प्लस 2 करने के बाद जो है आपको 11 आ रहा है, मेरा ये क्रम सही है। आंसर आपको हो जाएगा ई और आई। देखिए एक बार सही से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार, इनमें दिया हुआ ई जिनका वैल्यू होता है 5, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है आपको ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक। के है 11, ब्लैंक, क्यू 17, ब्लैंक, डब्ल्यू 23। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा हुआ कि आखिर क्या हुआ, यहाँ 5, 11, 17 और 23, ठीक है। बीच में एक ब्लैंक छोड़ा हुआ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, 3 जगह ब्लैंक है। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे आप लोगों को कि अगर जो है 2 दिया हुआ है अल्फाबेटिकल वैल्यू, ठीक है, उनके बीच का मान निकालना है, उनमें करना क्या है आपको, इन दोनों का अंतर निकाल के, ठीक है, दोनों का अंतर आपको हो जाएगा 6, और इसमें आपको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, ये आपको आ जाएगा 3, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, और यही 3 को इसमें आपको प्लस कर लेना है और कुछ नहीं करना है, बस ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको आसानी से समझ सकते हैं इसको। ये आपको यहाँ पे हो गया 8, और ये मेरा 8 होता है H का, देखिए अब मेरा सीरीज बन गया है। यहाँ पे देखिए 5, 3, 8, 3, 11, यानी 3-3 प्लस हो रहा है। अब उसी हिसाब से आगे भी देखिए होगा, इन दोनों का अंतर 6, और हम बताए हुए हैं कि अगर 2 अल्फाबेट है उनके बीच का मान निकालना है तो 2 से आपको डिवाइड कर लेना है। इसी तरह अगर 3 रहेगा तो उनमें से आपको जो है 3 डिवाइड करना है। प्लस 3 ये हो गया यहाँ पे 14,
और 40 होता मेरा n का वैल्यू। फिर आ गया इसमें 23, ये भी आपको जो सेम है प्रोसेस, प्लस 3 कर लेना है, ये हो जाएगा आपको यहाँ t। 17 में 3 प्लस किए तो 20 हुआ, 20 होता है मेरा t का, ध्यान रखना है। ये ट्रिक अगर याद रखते हैं तो कभी शायद दिक्कत नहीं होगी। इनका आपको आंसर हो जाएगा H, N और T। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा ये है J, फिर आपको जो है ब्लैंक छोड़ दिया गया है, फिर टी, उनके बाद ब्लैंक है, डी, डी के बाद फिर यहां पे आपको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो जे का आपको पता होगा ट्रिक के माध्यम से, बतलाए थे हम इजोटी ट्रिक, इजोटी में जिसका 5 से लेके 25 तक होता है ई जे ओ टी वाई, ई का वैल्यू 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो उसी तरह आप जो है निकाल सकते हैं इनका वैल्यू। यहाँ का जे, J का 10, अब यहाँ T हो गया 20, ठीक है, यहाँ D हो गया 4, ठीक। अब उनके बाद आगे प्रोसेस ब्लैंक है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है देखना है, उनसे पहले जो आप लोगों को बतलाए थे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा कि इन दोनों का अंतर निकालना है, यानी दोनों के बीच वाला मान निकालना है। बीच वाले मान को निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का पहले अंतर लेंगे, ठीक है। दोनों का अंतर होता है आपको 10, और बतलाए थे जब दो का बीच का वैल्यू निकालना है तो फिर दो का बीच का वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे आ गया मेरा 5, तो 10 में प्लस 5 कर लेना है तो आ जाएगा आपको 15 मेरा वैल्यू होता है ओ का। देखिए यहां हुआ क्या है, आपको प्लस 5 हुआ है, ये ध्यान रखना, प्लस 5 यहां हुआ है तो आगे भी हो सकता है प्लस 5 होगा, उनको हमको निकालना पड़ेगा इन दोनों का मान। देखिए यहां पे डी है 4, आप बोलिएगा यहां पे 4 है तो 20 में से 4 क्या रहता, कैसे करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, आसानी से इसको निकाल लीजिए। आपको पता होगा अगर 26 लेटर होता है अल्फाबेटिकल तो उनसे आगे हम लोग चलते हैं, इस रीजनिंग में हमेशा होता है कि आगे और पीछे होता है, ठीक ना। इसमें अभी आगे क्रम चल रहा है, प्लस 5 का क्रम यहाँ चल रहा है तो माइनस नहीं हो सकता, आगे प्लस ही चलेगा आगे, ठीक ना। और प्लस हुआ है यहाँ भी प्लस हुआ होगा, देखिए जब यहाँ 10 हुआ है तो यहाँ भी एक बार हम 10 करके देखते हैं, तो यहाँ मेरा देखिए टी हो गया, टी के बाद कितना बचा है 6, ठीक है 6 बचा और आगे है 4, 6 4 10, यानी इन दोनों का अंतर हो गया आपको 10, ठीक है। फिर 10 है तो 10 में से आपको पता ही है कैसे निकालना है, 2 का वैल्यू निकालना है तो 2 से इसमें डिवाइड कर देना है, तो देखिए इसमें भी है आपको प्लस 5 कर देना है, प्लस 5 निकला प्लस 5 करेंगे और यहां वैल्यू आ जाएगा मेरा वाई, ठीक है। उनके बाद फिर आपको है यहां पे डी आ गया 4, ठीक, जब प्लस यहां तक 5 आया है तो यहां भी प्लस 5 आएगा, 9 आई, तो ये आपका निकल गया ओ वाई आई, ओ वाई आई। अगर कहीं भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रही है, तो उनको फिर से जो है बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं बिना समय गवाए हुए। 5वां क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे, इसमें है पी जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 16 और आगे है टी जिनका होता है 20। यहां आपको दोनों जगह ब्लैंक छोड़ दिया गया है और आगे है F जिनका वैल्यू होता है आपको 6। तो अभी तुरंत बताए थे आपको
इन दोनों का अंतर 4, यानी प्लस इसमें हुआ है 4, ठीक है। जब बी टी बन गया कैसे, पी बना टी, इसमें पी में प्लस 4 हुआ इसलिए टी बना है। तो आगे भी एक बार जो हम इसको पहले हम इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं तब आसानी होगी समझने में, ठीक ना। ये 20 है, 20 के बाद आपको यहाँ 6 है, तो तुरंत अभी बताए थे ऊपर वाले में 26 लीटर होता हमारा, तो 26 आगे 20 के बाद 6 बाकी है, 6 प्लस आगे दिया हुआ 6 आपको, ये हो गया आपको 12, यानी इनका अंतर हो गया आपको 12 हुआ। और इससे पहले आप लोगों को बता दे दो वाला, अगर दो ब्लैंक हो बीच में, ठीक ना, दो ब्लैंक हो तो दो ब्लैंक सॉरी एक ब्लैंक हो बीच में, दो का बीच का अंतर पूछे तो उसमें दो से करना आपको डिवाइड, अगर दो ब्लैंक वही पूछ दे बीच में दो का अंतर निकालिए तो उनमें करना क्या है आपको, ज्यादा नहीं एक बढ़ा देना, इसमें दो में एक बढ़ा देना 3, तो 3 से डिवाइड करना है, तो 4 × 3 = 12, ठीक है। इसमें देखिए सेम निकल गया प्रोसेस, यहाँ प्लस 4 हुआ है तो आगे भी सब में प्लस 4 ही हो रहा है, तो यहाँ प्लस 4 कर लेते हैं तो 24 मेरा होता है x का, फिर आगे 24 इसमें कर लेते हैं प्लस 4, ये हो गया 28 है, 28 मेरा हो जाएगा यहाँ पे, जब अल्फाबेटिकल नंबर इसमें हो रहा है मेरा 26 तो 28 तो नहीं हो सकता है, तो उनमें क्या करना है आपको, दो आगे बढ़ जाना है, तो दो आगे बढ़ेंगे तो दो आगे बढ़ने के बाद आपको हो रहा है डी, जेड के बाद दो आगे बढ़ेंगे तो ए बी आपको बी हो रहा है, फिर उसी तरह आगे इसमें जो है प्लस 4 करना है, ये प्लस 4 करने के बाद आपको 10 हो रहा है और 10 होता है मेरा जे का, इनका आंसर आप लोग को हो जाएगा एक्स बी जे। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इन क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग देखते रहिए हमारा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए शेयर कीजिए।